देखिए, हमने आपको क्या है ये पढ़ा दिए थे हिमालय के बारे में ना। कौन कौन से हिमालय है? ट्रांस हिमालय। तो देखिए, ट्रांस के बारे में बता दिए थे, इसके बारे में बताए थे। इसमें आपको पीक्स पढ़ाए थे कि नहीं है? कौन कौन से पीक कौन से हैं? और इसमें इसमें देखो, चार पद जो है इसी के हैं। ये किसकी? ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय की इसमें चार मेन जो लेयर्स हैं उसके बारे में आपको बता रहे। देखिए, तो ये होते हैं क्या लिखा है? देखो, कराकोरम, लद्दाख, और ये नहीं, कौन सी थी? जास्कर। ठीक है, ये कौन से है? जास्कर, और ये पीर पंजाल। ठीक है, यह है पीर पंजाल। हाँ, ये ट्रांस हिमालय के चारों पर्वत हैं इसमें, जो कि आपकी अलग अलग दिखाई जाते हैं यहाँ पर। हाँ, यह है कराकोरम। ठीक है, और यह है लद्दाख। ठीक है, और यह है आपकी जास्कर, और यह हो गए पीर पंजाल। ठीक है, कोरम में ही आपकी क्या है, K1, K2, K3, K4, ऐसे अदादर क्या है, ये पीक्स हैं। तो सबसे ऊंची आपकी पता है आपको कौन सी है? K2 है। K2 का नाम क्या है? हाँ, गर्जना। ठीक है, और यहीं पर जो है आपका सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन सियाचिन ग्लेशियर लिख लेना, जो भी अपना है स्पेलिंग। ठीक है, हाँ। तो ये सियाचिन ग्लेशियर भी आपका कहाँ है? यही है। इसी के ऊपर क्या है, इधर आपका चाइना में प्लेटू। कौन सा है? क्या? पामीर प्लेटू यहीं पर है आपका। ठीक है, तो पामीर प्लेट्यू को ही बता था ना, रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड आपकी ये भी चाइना में है, और आपका इधर जो पड़ता है कौन सा? तिब्बत। तो तिब्बत प्लेट्यू जो है वो भी आपका ऊंचा है, लेकिन सबसे ऊंचा आपका यही है। तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है? पामीर प्लेट्यू को। ठीक है, अब ये जो है ये कौन सा है? कलेजा पर। क्या है? कलेजा पर, इनको लिख लेना, कलेजा पर। देखो, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, रे वो है, माउंटेन। हाँ, माउंटेन रेंज है। ठीक है, तो माउंटेन रेंज जो है आपकी चार है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है कि गॉडविन एक्सटेंशन की हाइट कितनी है? 8611। हाँ, प्रिंस बोलिए। हाँ, सर रिवीजन में, हाँ, थोड़ा आगे पढ़ाएंगे। इसी में रिवीजन भी कराते जाएंगे और आगे इसमें पढ़ा भी देंगे। ठीक है, रिवीजन वैसे कल होगा, सारे क्लास का कल सदर जाए ना सब। तो क्या होगा, आज हम तुम्हें जो है जो चीजें इसमें छोटी हुई वो भी पढ़ा देंगे और रिवीजन भी कराते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखो, कई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, इसलिए जो है अच्छे से सीखना कि कौन सी चीजें कहाँ पर हैं। तो देखिए क्या होता है, हाँ, ये आपको ये ट्रांस हिमालय के बारे में हो गया, ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय पर आते हैं, तो इसमें आपकी हम यहाँ बनाए रहते हैं तब तक। ठीक है, ग्रेट हिमालय की कुछ ऐसे ही है आपका ग्रेट हिमालय। अब इसमें देखो कई सारी पीक हैं, जैसे कि यहाँ पर है, ऐसे यहाँ भी है। ठीक है, ऐसे है इतनी। ठीक है,
इतनी सारी पीक्स हैं कितने, ग्रेट हिमालय में। तो सबसे ज्यादा पीक कहाँ पर हैं? ग्रेट हिमालय में। और इनकी कुछ जो है चीजें हम बता देते हैं जो कि आपके यहाँ पर जो पहली आखिरी और कौन कौन सी है। ये है आपका नंगा पर्वत, ठीक है, हाँ इसको नंगा पर्वत बोलते हैं। और ये है नामचा, ठीक है, ये नामचा हो गया। फिर कंचनजंगा, मैं कह लूँ माउंट एवरेस्ट, ये है आपका कंचनजंगा, ठीक है, ये कंचनजंगा हो गया। ये कौन सा हो गया? ये हो गया। और ये हो गया आपका, इसको बोल देते हैं मैं कालू, मैं नहीं हूँ कालू, इसका नाम है, ठीक है। और ये है आपका माउंट एवरेस्ट, इसको थोड़ा बड़ा सा बना लीजिए आप, ठीक है, माउंट एवरेस्ट ये वाला हो गया। और ये यहाँ पर भाई बंदरपूछ वगैरह जो हैं सब आपके हैं, बंदरपूछ, कामेरी, नंदा देवी, ठीक है, धौलागिरी, मनसालू, गौरी शंकर, छोजू, ये सारे जो है ठीक है यहाँ पर। यार लिखना है, लिखाते हैं, सब याद कर पाओ तो लिखा दें। ये देखो आपका नंदा देवी है, ठीक है, नंदा देवी। ये है आपका छोयू, सो यू, अरे बताओ कैसे ऐसे नाम है इनके, ओ वाई यू, सो यू, ऐसे करके, ठीक है, ठीक है। ये कौन सा, ये वाला है सो यू, ये तो माउंट एवरेस्ट है। तो इस तरीके से आपकी इसमें जो है आपके यहाँ से रेंजेज हैं, ओके। हाँ अब देखो मिडिल के बारे में बता दें, जहाँ तक बना ले रहे हैं बाद में इसको हटा देंगे। तो ये जो है आपका मिडिल, मिडिल हिमालय, हाँ मिडिल हिमालय में भी आपकी तीन चार जो है जो कि आपकी बढ़ती हैं, इनका देख लो पांच है इसमें, कुल्लू, शिमला और डलहौजी। कुल्लू, शिमला, डलहौजी, नहीं ये कुल्लू, मनाली, शिमला, ये नहीं डलहौजी, एक उसके नाम पे बड़ा है गाली, यहाँ डलहौजी। और कौन से, हल्द्वानी और रानीखेत, हल्द्वानी एंड रानीखेत, हल्द्वानी रानीखेत। अब ये जो है ये तीनों ये आपके टूरिज्म प्लेस हैं, ठीक है, ये किस लिए आ रहे हैं, टूरिज्म प्लेस हैं ये तीनों, कुल्लू, मनाली, शिमला, ये क्या रहते हैं, सब लोग घूमने जाते हैं यहाँ पर। तो ये जो है कहाँ का, ये वाला है कौन सा, मिडिल हिमालय का, हाँ मिडिल, मिडिल हिमालय है, हाँ तो मिडिल हिमालय की ये तीन पीक्स जो है, ये जो इधर पर जाती हैं ये टूरिज्म प्लेस हैं। फिर उसके इस तरफ जाते हैं तो हल्द्वानी और रानीखेत, ये कैसे हैं, ये आपके जंगल और घास है इनमें तब, ठीक है, ग्रास एंड जंगल हैं, तो जंगल और घास इसमें बहुत सारा मिलता है कई तरीके की। और यहाँ की घास का नाम क्या होता है, ये इस घास का एक नाम भी है, कुछ नाम नहीं याद आ रहा है इसका, हाँ शायद कोई गर्ग वगैरह है कोई, जाने दो उसको, देखो अब आते हैं, देखो ये लिख लिया, ये ग्रेट हिमालय हो गया, ये कौन सा हो गया, मिडिल हिमालय, ट्रांस हिमालय आपको बताई दिया, ट्रांस हिमालय में लद्दाख हमारे यही हैं लोग, ये चार चार उसमें क्या है रेंजेस हैं ना, देहरादून जी क्या आ गया इनमें,
कुल्लू मनाली में। हाँ हाँ सब में दिल में आता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया ना कि ये तो जो शिवालिक है, शिवालिक ये तो इसमें गायब हो जाता है, इसी में मिल जाता जाकर फिर आके फिर यहाँ निकलता जाकर, फिर ऐसे ऐसे पता नहीं दो तीन लेयर बनाता है, फिर ऐसे आता है, फिर यहाँ पर गायब है, फिर यहाँ गायब है, फिर ऐसे बनाता है, ये क्या बना लेता है आपका अंडमान निकोबार। तो यहाँ पर क्या है, एक बार यानी यूएसए का शिप आया जाना क्या, उसने सोचा यहाँ पर होगा ही नहीं कुछ, यहाँ से निकल गया, उसने सोचा कि अगर शॉर्ट कर दस समाज यहाँ से नाप लेते हैं, शॉर्ट कट से निकले तब तक उसका शिप जो है नीचे से पूरा चला गया, क्या होगा नीचे थी पहाड़ी, पहाड़ी थी पहाड़ी के ऊपर से निकला तो शिप में रगड़ गया, एकदम पलट गया आगे, पूरा गिर गया बेचारे चले गए। हाँ सर बोलो प्रिंस। सर भारत की खोज किसने की थी? भारत की खोज yes, भारत की खोज किए थे वास्को डी गामा 1498 में। हाँ सर वो किस मार्ग से भारत आए थे? वास्को डी गामा अरे बता रहे हैं ठीक है कि डब्ल्यू से थे, डब्ल्यू था ना सर, वी रहता है वी। हाँ देखो ये हाँ आप जो है इधर देखिए आप पहले इस वाले मैप में चलिए, दिख रहा है मैप ये देखो यहाँ से आया था ऐसे करके जो है ऐसे यहाँ पर आया था ठीक है, ये सर समुद्र मार्ग से और इधर हाँ समुद्री मार्ग से आया था यहाँ से लेकर ऐसे यहाँ ठीक काले गए सर, वो नाविक थे क्या सर? वो नाविक थे हाँ, जब इसके बारे में तो बता चुके हैं ना सर कि वास्को डी गामा 1948 में आए थे तब, हाँ 1498 में ओल्डर बोल दिया अच्छा नहीं नहीं अभी कहाँ, अभी मॉडर्न वो मीडियवल इंडिया चल रही, अभी हम लोग हिस्ट्री में कहाँ पर पहुंचे हैं 1230 1240 रजिया सुल्तान नरी है यहाँ पर भाई, यहीं तो पहुंचे हैं। अब अभी जब अपने लोग चलेंगे यहाँ पर 1498 में तब आपका याद आएगा सामने ठीक है, अरे बताएंगे तब ठीक है ठीक है, अभी बताएंगे सारा हिस्ट्री नहीं आज ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी करो फिर बताते हैं मैं हिस्ट्री का, चलो ये हम इससे रख देते हैं और आगे चलिए, फिर आपको इस मैप के बारे में बनाया है जिसलिए उसको भी तो बताना है अभी इसमें, देखो हम बहुत सारी चीजें आपको बता देंगे, आप लोग याद रखिए अपने अलग लिख लीजिए, बार बार नहीं बताएंगे ठीक है, बस रिविजन होगा आपका सेट, एक बार हम डिटेल में बता देंगे फिर आप जो है सिर्फ रिवीजन करिएगा। देखिए यहाँ से आपका निकलती है आपके सिंध रिवर इधर से कहीं ठीक है, ऐसे करके ये कौन सी है सिंध, यही तो है सिंध, हाँ चाइना से इधर से होकर आती है यहाँ से ठीक है, इधर से चाइना से निकलती है ये इधर आती है। अब इसमें क्या है कुछ हिमाचल प्रदेश से कुछ इसकी सहायक नदियां हैं, कुछ डायरेक्ट जो है इसमें मिलती आके हैं, और ये यहाँ पर क्या है पांच रिवर हैं जो कि आपकी क्या है लगभग पंजाब में ही पड़ जाते हैं आपके, तो पंजाब इसीलिए बताया था पांच नदियों का क्या है समूह है, कौन कौन सी इसमें झेलम चेनाब सतलज रावि ब्यास ठीक पांच है यहाँ पर, कौन सी पांच नदी है झेलम चेनाब सतलज रावि ब्यास, बस आपको इतने जानना है इसमें कौन सी है और ये सारी क्या है सिंध रिवर में मिल गई जाके ओके, अपने यहाँ से निकलती है इंडिया से निकलती है और पंजाब होके पाकिस्तान पंजाब पाकिस्तान में तो आधा एरिया पड़ी जाता है इसमें, और पंजाब पाकिस्तान में होके सीधे सिंध रिवर में मिल जाती है ठीक है, तो यहाँ से अब देखो यहाँ पर कौन सी है एक नदी जो है इधर से आती है एक और इधर आती हैं, दो नदी इधर भी आती हैं, ये कौन कौन सी हैं नर्मदा एंड ताप्ती, नर्मदा और अब देखो बाकी जो यहाँ से नदियां निकलती हैं
चार ये इधर जाती हैं, एक नदी जो है वो यहाँ से इधर की ओर जाती है। ये कौन कौन सी रिवर्स हैं इनके बारे में जान लो। अच्छा ओके सर, ठीक है। देखिए ये कौन कौन सी रिवर हैं सर, कितने हैं? और हाँ क्या सर, ये सब रिवर्स एक दो तीन चार, नहीं ये नहीं है सर, पांच नहीं है उनका। अभी सब आएंगे, हालांकि ये रिवर बताएंगे ना, चार है। ये चार हैं, एक दो तीन, एक ये चार, ठीक। और दो इधर हो गए इसके, और चार पांच इधर हो गए, तो इनका नाम लिख लीजिए। देखिए ये कावेरी कृष्णा, बहुत है कावेरी कृष्णा। नहीं हम सारी नहीं बढ़ा रहे हैं, हम जितने यहाँ पर बता रहे हैं वो बता रहे हैं, खाली मेन मेन दिवस जो है वो आपको बता रहे हैं, ठीक है। कावेरी कृष्णा, गोदावरी, और ये है आपकी महानदी, ठीक है, जो कि महानदी। अब जो गंगा है, गंगा यहाँ उत्तराखंड से निकलती हुई क्या करती है, यूपी बिहार और यहाँ पर आपके वेस्ट बंगाल में आके गिर जाके, ठीक है, इस तरीके से। ये क्या कौन सी है, गंगा हो गई। यहाँ से आती है चाइना से कौन सी, ये कौन सी है, ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र। और यहीं पर आपका सबसे बड़ा आपका ये डेल्टा बनता है। हाँ तो डेल्टा निकलता है गंगा और ब्रह्मपुत्र का। डेल्टा जो है क्या होता है कि दो नदियों के मिलने से क्या होता है कि एक नदी अगर इधर से आई, एक नदी इधर से आई, तो एक ट्रायंगल शेप में जो बन जाता है इसको बोलते हैं डेल्टा। और यही सुंदरबन डेल्टा जो है सबसे बड़ा है, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये वाला बनता है, ये वाला, तो इसको लिख लो, ये कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। जो सुंदरबन का डेल्टा है जो बे ऑफ बंगाल में आपका बनता जाके कहाँ से, किन नदियों से, गंगा और के? और ये हो गई आपकी ब्रह्मपुत्र हो गई, नर्मदा हो गई। यहाँ देखिए आपने देखा है कि यहाँ से मोस्टली रिवर्स जो है इस साइड में जाती हैं, तो इसका मतलब ये जो हमने बताया था तुम्हें, ये वाला जो एरिया था, ये वाला, ये क्या था, और ये वाला एरिया बताया था, ये क्या, तो मैंने बताया था ये आपके माउंटेन्स है, ये आपका प्लेन है, और ये क्या है, प्लेटू है। अब प्लेटू क्या है, तो ये कैसे बना था, ये मैंने बताया था कि बहुत पहले फॉर्म हो चुका था, और इसका ये एरिया जो है ऊंचा है इस साइड का, और इस साइड का है नीचा, इसलिए क्या होता है, चेन्नई मद्रास वगैरह में क्या होता है, हाँ ये तीन मेन लैंड है। ये क्या होता है, माउंटेन, ये है प्लेन, और ये है आपके प्लेट्यू, और बाकी जो ये है आपके क्या है, कोस्टल एरियाज हैं, और ये जो है आपके, ये इनको क्या बोलते हैं, तटद्वीप, या फिर इनको क्या बोलते हैं, अरे जो पानी के बीच में होते हैं इनको क्या बोलते हैं, हाँ आइलैंड, ठीक है, तो ये है आइलैंड, क्या होते आइलैंड, स्पेलिंग बताओ, आइसलैंड, ये तो आइलैंड होते, हाँ आइलैंड, ठीक है। तो ये आइलैंड जो है यहाँ पर बनते हैं, तो बाहर गए। अब देखो ये वाला, और मैंने तुमको बताया था कौन सा, यहाँ पर एक है मेडागास्कर, जो कि इधर आपका कितना पर जाता है, हाँ ये वाला, हाँ तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में यहाँ पर क्या होता है, मेडागास्कर। मेडागास्कर, ये मेडागास्कर भी आपका क्या है, ये इंडिया का एक पार्ट है, यहाँ से जुड़ा हुआ, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जगह जो है आपका, यहाँ पर कौन सा है, दमन एंड दीव और अंडमान निकोबार एंड अंडमान निकोबार, यहाँ पर कौन लक्षद्वीप एंड दमन एंड दीव है, ठीक है। तो ये वाली चीज है यहाँ पर। अब क्या है कि मैंने तुमको उस दिन बताया था, एक चीज और समझ लो, ये सारी लिख ली, रिवर्स बना ली है सारे, तब हो गए। देखिए क्या बताया था कि यहाँ पर ऐसे, ये था पहले अर्थ, ठीक है। ये कौन सी लाइन होती है, जो
इक्वेटर। नीचे से कौन सी आती है? नहीं नहीं ये लाइन का नाम बताओ। कैप्रिकॉर्न होती है ना, कैप्रिकॉर्न ये वाली कैंसर होती है, ठीक है ये होती है। हाँ तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न इधर क्या था, पहले इंडिया जो था वो कहीं यहाँ पर था ऐसे करके, ठीक है बताया था यहाँ पर था। फिर ये धीरे धीरे आपका आया कहाँ पर, इक्वेटर पर, इक्वेटर पर आया, इक्वेटर से सीधे सीधे आया यहाँ, यहाँ टक्कर मार दिया रखे इसने, कहाँ यहाँ टक्कर मारी आके आपका हिमालय है। ये था पहले आपका, बताया था कि बीच में कौन सा 33, हाँ 33 ओशन था, और यहाँ पर क्या था, ये पहले से ही ट्रांस हिमालय था, ट्रांस हिमालय था ना। और ये क्या हुआ कि सारा एरिया लेके आया और यहाँ पर टकरा गया, गया कहाँ से नीचे से बिल्कुल यहाँ से आया था, यहाँ से आपकी ये वाली लाइन गई जी। हाँ कैप्रिकॉर्न जो है ये वाली लाइन। हाँ सर अर्थ के बीच से कौन सी लाइन गुजरती है सर? साइलेंस। इंडिया के बीच से क्या सर? इंडिया के नहीं, अभी इंडिया के बीच से कौन सी लाइन गुजरती है? इंडिया के बीच से कौन सी लाइन गुजरती है बताओ इनको, इंडिया के बीच से राम लिखा आंसर है ना, तभी तो उठा रहे हैं कि देखो तो कहाँ पर आ गई है। हाँ हाँ मित्र पर गमछा डाल, सही कहा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से निकलती है। यहाँ पर क्या था, पहले से ट्रांस हिमालय था ना, तो ट्रांस हिमालय पहले था और इसके टकराने से क्या हुआ, दो तीन लेयर और बन गई जो कि कौन सी थी, मिडिल हिमालय और शिवालिक। हाँ ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और फिर शिवालिक, तीन आपके और लेयर बन गए इसमें। अब इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर आपका कौन सा, ये पहले इसको बोलते थे कौन सा सी था, हाँ अरेबियन सी। अब अरेबियन सी जो है इससे ये टकराया पहले जो, तो अरेबियन सी से यहाँ पर टकराया, इसमें क्या था, बहुत सारे क्या थे वोल्केनोज थे, वोल्केनोज फटे, तो ये क्या हुआ, यहाँ मान लो ये वोल्केनो फट गई यार, ठीक ये क्या हुआ, इसने ऐसे जो है ऐसे ये फटे वोल्केनो, ठीक है वोल्केनो फटे तो ये जो है एरिया इस पर जो है प्लेट चढ़ गई बहुत, तो ये हो गया ऊंचा एरिया, ठीक है। और ऐसे ही इधर आपका थोड़ी बहुत जगह बन गई, ये कौन सी था, दमन एंड दीव एंड लक्षद्वीप, ठीक है ये वाले बन गए यहाँ पर। और इनकी वजह से क्या होता है कि आपने अभी देखा होगा कि गोवा जो है वो है मुंबई, यहाँ पर मुंबई है, गोवा तो यहाँ है, तो यहाँ जो मुंबई है यहाँ, इससे क्या होता है कि बहुत सारे क्या होता है कि जानवर जो है एक्वेटिक एनिमल है वैसे हैं, उनका क्या होता है बहुत ज्यादा मर जाते हैं, मर जाते हैं तो नीचे वो क्या होते हैं तो एकदम समुद्री तल में चले जाते हैं और उन वो जाते हैं ढक, ठीक है ढक गए हैं। तो बताया था ये कितना 13 to 16 मिलियन ईयर, हाँ मिलियन ईयर के आसपास का है ना, ये मिलियन है करोड़ से सर, करोड़ बताया थे तुम्हें, ठीक है 13 to 16 करोड़ ईयर पहले की बात है। तो यहाँ पर क्या था 13 से 4 आपका मिलियन जो है लग गया कहते हैं 40 लाख साल लगभग लग जाते हैं 40 लाख। सर महानदी कौन सा है, महानदी ये क्या रही सर, महानदी सबसे बड़ा नदी है? नहीं सबसे बड़ी तो गंगा है, इसका नाम है सर ये 25 किलोमीटर की। सर असली में ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी है? हाँ वो है नहीं ना, वैसे ब्रह्मपुत्र है लेकिन वो है नहीं, इतनी बढ़ती है हमारे सर, वो इंडिया में नहीं है सर, वो दूसरे देश में। हाँ वो दूसरे के यहाँ, तभी देखो हाँ तुम्हें क्या बता रहे थे यहाँ। तो यहाँ पे देखिए आपका जब कौन सा वोल्केनो फूट गए तो उसके लावा से इतनी गर्मी हुई तो जानवर मरे, जानवर बनने से क्या होता है कि वो जमीन के अंदर चले जाते हैं। उससे बताया था ना कि जब भी आपका लिविंग एनिमल्स होते हैं जो लिविंग है वो मर के अगर जमीन के अंदर दफन हो जाए बहुत कोयला बन जाता है सर, जहाँ पर क्या उसका बहुत ज्यादा उसको बहुत ज्यादा प्रेशर पड़े तो उसका कोयला नहीं क्या बनता है, पेट्रोलियम बनता है।
हाँ, और कोयला किससे बनता है? जो नॉन लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स अगर हैं, ये अगर पानी बहुत जमीन के अंदर बहुत दिनों तक अगर दबी रहे तो इनसे क्या बनता है? कोल। कोल, और इनसे बनता है पेट्रोलियम। नहीं कोल, क्या आप पूछिए सर, इस दुनिया का आधा, सर दुनिया का आधा पेट कहाँ पे रहता है, कौन से देश में? क्या सर, आधा पिग? पिग यस सर। आधा पिग कौन सा होता है? पूरा ही हमने देखा है, आधा देखे नहीं सर। 50%। चलिए देखिए आगे बढ़िए सर। चाइना कहते हैं तुम्हारा ये? हाँ, चाइना में खाए भी बहुत जाते हैं। देखिए ये कौन सा बताया था, ये माउंटेन रेंज कौन सी थी? शिवालिक। तो शिवालिक मैंने कहा कि यहाँ पर जो है ये मिडिल हिमालय में चली जाती है और ये पश्चिम, और बाद में ये जो है इधर आ जाती है। इस माउंटेन रेंज को क्या बोलते हैं? कल मैंने बताया था हिस्ट्री में, मैंने कहा था इसमें जो है दो पासेस हैं जिनसे जो है लोग अरब से अटैक हुए थे यहाँ। किसी को नहीं पता? हिंदुकुश हिमालय सर। चाइना के फार्मर लोग रखते हैं, पर मुझे ये नहीं पता कि फार्मर लोग क्या यूज करते होंगे उसका। चलिए देखिए, तो ये हिंदुकुश पर्वत था, यहाँ पर शिवालिक के कहा जाता है, ठीक है? और फिर ये आगे यहाँ चला जाता है, यहाँ इसका नाम क्या हो जाता है? अंडमान निकोबार। और उससे पहले भी है, क्या है यहाँ, ये यहाँ भी है, ये रास्ते में है, लेकिन यहाँ पर क्या है? अंडर वाटर है। अंडर वाटर है बताया ना, हाँ, शिप वगैरह निकलते हैं तो यहाँ से डूब, मतलब इसमें टकरा के गिर जाते हैं। हाँ, अब आपको मैंने बताया कि यहाँ पर जो है इस साइड की जमीन ऊंची है, इस साइड की नीची है, तो ये नदियां मोस्टली सब इधर बहती है ना, बहती है, तो इससे भी प्रूव होता है कि इधर ऊंचा है इधर नीचा है, तभी तो ये जाते हैं नदियाँ। जैसे यहाँ पर ऊंचा है, इधर से सारी नदियां क्या होती है इधर आती हैं, इधर आते हैं, तो तब भी आपको पता लगता है कि इधर ऊंचा है इधर नीचा है। लेकिन यहाँ पर भी ये ऊंचा है, पहले का बना है, और यहाँ पर क्या था कि वोल्केनोज छूटे, इसकी वजह से भी इस पर कई लेयर चढ़ गए। लेकिन ये फिर दो नदी इधर क्यों आ गए? यह दो नदी नो, इनके पास कोई रास्ता नहीं, इनके पास क्या होता है, एक माउंटेन रेंज इधर पर जाती है, एक माउंटेन रेंज इधर पड़ जाती है, और एक माउंटेन रेंज इधर पड़ जाती है। ये तीनों तरफ से तो घिरी है, ना इधर जा सकते ना इधर ना इधर, तो इनको विद्यार्थियों को वापस आना पड़ता है, ठीक है? इसीलिए ये मजबूरी में उल्टी बहते हैं। तो बाकी सारी नदियां क्या हैं? इधर से इधर बहती हैं, इधर से इधर बहती हैं, और ये सारी जगह है इधर की ओर बहती हैं, ठीक है? क्योंकि अभी मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर क्या हुआ था कि जब इंडिया यहाँ टकराया था, तो टकराया था जिधर से टकराया था उधर, तो इसका जो है सर अंदर की ओर झुक गया था, और जो टकराया था ऊपर उठ गया था, बहुत ही ऊपर उठ गया था, तो ये वाला एरिया बहुत ऊंचे उठ गया था, ये वाला एरिया जो है बहुत नीचे चला गया था ये वाला, और ये वाला तो पहले से बना था। तो ये भी क्या होता है, जब किसी क्या होता है कि जब ऐसे कोई गाड़ी जा रही होती है और टक्कर लगती है, तो टक्कर लगती है तो थोड़ा पीछे से उठ जाती है ना, वैसे इसका होगा, ये टकराया और पीछे से उठ गया, पीछे उठ गया, तो ये वाला सबसे ऊंचा एरिया हो गया, ये वाला नीचा हो गया, और ये टकराया ऊपर जो है ऐसे फोल्ड हो गया था ना, बताया था ना ऐसे करके, हाँ, तो ये फोल्डेड माउंटेन है, बताया था ना तुमको, इसलिए यहाँ से बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि ये टकराया, क्योंकि इधर से पहले ही कौन सा था? ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय से टकरा के ये वाला और ज्यादा, ये सब सब फोल्ड हो गया ऐसे करके, हाँ, तो सब ये फोल्ड होके यहाँ से उठ गए, और तो ये काला एरिया जो है बहुत नीचा हुआ था पहले। फिर क्या हुआ, यहाँ से जब रिवर्स आए, रिवर्स आए, तो रिवर्स का तुम्हें यही बताते हैं कि रिवर्स से बहुत सारा जो है माउंटेन्स को काट काट के वहां से मलबा वगैरह ये क्या होता है कूड़ा कचरा लेके आए, और सब इसमें भरते गए, सब इसमें भरते गए, तो क्या हुआ कि ये जमीन जो है फिर ऊंची हो जाती है, तब आपका जो है ये आज जो है मैदान बना है लाखों करोड़ों साल में, समझे? पहले क्या होगा, बहुत नीचे था, और ये वाला तो पहले से ऐसे बना था, ये तो इतना ज्यादा मजबूत है, इसके अंदर कभी कोई भी वोल्केनो नहीं छोड़ सकते, यहाँ लोग खुदाई नहीं कर सकते,
आपका देखो जितना ये बताया था यूरेनियम, यहाँ छत्तीसगढ़ में कॉपर आयरन कोल यूरेनियम ये सारी चीजें देखो इस टाइप से निकाली जाती है, इतने में इधर कोई नहीं खोदने जाता है। ये वाला इधर क्यों नहीं खोदते, क्योंकि यहाँ तुम्हें बताया था कि कितना ये हार्ड एरिया बन चुका है, क्योंकि वोल्केनोस का सारा मलबा इधर गिरा हुआ है लावा, ठीक है। तो लावा गिरने से क्या हुआ, ये बहुत मजबूत हो चुका था और इसको ये क्या है सबसे पुरानी जमीन है, इसलिए इतनी मजबूत है कि यहाँ पर खोदा भी नहीं जा सकता और ये बहुत ज्यादा सॉलिड भी है, डेंसिटी भी इसकी बहुत ज्यादा है, इसलिए जो है जितना भी खुदाई होती है वो इतने इस एरिया में होती है, इधर नहीं होती है। हाँ इधर होगा अभी, इधर भी होगा आपका जो हम रहा है ना कि इस सी के अंदर भी देखा जाए दमन एंड दीव वगैरह, तो यहाँ भी खुदाई की जाए तो यहाँ पेट्रोलियम मिल सकता है आपका। हाँ तो यहाँ देखो तो क्या समझा, यहाँ भी पेट्रोलियम हो सकता है क्योंकि बोलकर यहीं तो फूटे थे और यहाँ मरे होंगे जानवर बहुत सारे, और जानवर मरे होंगे तो अंदर दबे होंगे। हाँ और वहाँ पर क्या होगा, हाँ अब देखिए इसको हम थोड़ा इतना रफ कर देते हैं तब तक, और तुम्हें जो है जैसे रिसीव रफ करते हैं इसके अंदर से फिर बताते हैं इसका। देखिए यहाँ पर आपके ये थे माउंटेन्स ऐसे ना, ऐसे थे ना, तो देखिए ये तो सब इसमें मिल जाते हैं ना ऐसे आके, और ये वाला फिर इसमें बिल्कुल ही मिल जाता है, ये वाला चलते आ रहा है और ये वाला तो सीधे ऐसे करके जो है ऐसे मिल जाता है ना। तो मेन आपकी यही दो है, कौन सा, एक मिडिल हिमालय और एक ग्रेट हिमालय, बाकी ट्रांस भी इसे मिल जाता है, शिवालिक तो पहले ही से मिल जाता है, बाद में लग जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्या होता है, ये आपकी मेन मेन चार पांच नदियां यहाँ से निकलती हैं, जिनके लिए क्या है आपको बता दें, पहली ये नदी जो है इसका नाम है सिंध, जो पाकिस्तान की तरफ से निकली है, ठीक है सिंध, और ये कौन सी है सतलज, ठीक है सतलज, इसके बीच में एक माउंटेन पड़ता है, इस माउंटेन का नाम क्या होगा, ये है नहीं इसका है, इसका बोल रहे हैं पंजाब हिमालय। हाँ इसके बीच में जितना हिमालय पड़ता है उसको पंजाब हिमालय बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हिमालय रेंज ही तो है ये, तो हिमालय रेंज जितना इनके बीच में पड़ता है कौन सी सिंधु और सतलज नदी के बीच में, तो इनको क्या बोलते हैं पंजाब हिमालय बोलते हैं। और फिर सतलज और काली, हाँ ये काली एक रिवर है, काली है कि राधी है, इसको तब तक राधे लिख दो, नाम याद नहीं शायद रवि राधी होगी, ये ठीक है राधे सतलज और राधे, इसके बीच में जो माउंटेन रेंज पड़ती हैं ये वाली, इनको क्या बोलते हैं, इनका नाम लिख लो, ये है आपका कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। तो कौन कौन सा है, सिंध और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, सतलज और रावी के बीच में कुमायूं हिमालय, रावी और तिस्ता जो रिवर है तिस्ता, हाँ इसके बीच में है आपका असम हिमालय, तिस्ता रिवर है, तिस्ता लिखा तो है हिमालय, ठीक है ये तिस्ता, अब वो कौन सा हो गया असम हिमालय, और फिर आता है ये लास्ट की आपकी कौन सी है, ये है आपका हाँ ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र तो ये ब्रह्मपुत्र जो है इसके बीच में ये जो हिमालय पड़ता है इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय, ये तो है हाँ नहीं नेपाल हिमालय, इधर देखो ना असम कहाँ पड़ता है, ये है ना असम, और ये नदी कहाँ से आई है,
ब्रह्मपुत्र कहाँ से आई है? ये है ना, तो इधर बन जाती है। तो असम पहले पड़ता है नेपाल, अच्छा नेपाल पड़ता है ना, चलो इसको उल्टा लिख लो। क्या पर है ये है आपका, हाँ नेपाल हिमालय, और ये है आपका असम हिमालय। ठीक है, तो हिमालय इतने पार्ट में आपका नदियों से डिवाइड हो चुका है। ओके, तो इतना समझ लो और लिख लो इसको, फिर आगे बताते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपकी जब नदियां यहाँ से निकलते हैं, इतनी सारी रिवर्स नीचे की ओर आते हैं, तो यहाँ से जब निकलेंगे तो यहाँ से बहुत सारी मिट्टी कंकड़ पत्थर भी लेके आएंगे। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, प्लेन मैदान या फिर कैसे हो, मिट्टी सॉइल अलग अलग तरीके की बनेगी, तैयार होगी। हाँ तो देखिए इसको, इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ से बता देते हैं कैसे है, कैसे कैसे आपकी ये नदियां जो है क्या क्या बनाती आती हैं। मान लो कि यहाँ से एक ये नदी ऐसा करके जा रही है, ठीक है, तो ये माउंटेन से निकली तो जहां पर गिरती है वहां पर बहुत सारे कंकड़ पत्थर लाके डाल देती है। इसमें कंकड़ पत्थर होंगे बहुत ज्यादा, हाँ तो यहाँ पर जो है क्या होगा कि नदी तो इसके नीचे निकल जाएगी लेकिन ये यहाँ पर तो गया है। हाँ तो इसको एक तरीके का क्या बोलते हैं कि बताया था तुमको बावर टाइप का मिट्टी यहाँ पर बनती है, ठीक है। हाँ फिर इसके बाद में जब ये जाता है पानी मिट्टी के अंदर घुस जाता है तो इसको बोलते हैं तराई, तराइन, बैटल ऑफ तराइन सुना है भाई, उसी के बाद तराइन। तो ये जो है इसमें पानी बहुत ज्यादा भरा रहता है जिसके वजह से यहाँ पर बहुत सारे मॉस्किटोज, मॉस्किटोज होते हैं और क्या होते हैं, ग्रास वगैरह, ग्रास होते हैं, जंगल होते हैं, ठीक है इसमें। और क्या होता है ये एक तरीके से दलदली एरिया हो जाता है, क्या बोलते हैं इसको, दलदल को और क्या बोलते हैं नाम उसका, चलो लिख लेना बाद में। हाँ फिर देखो ये जब आगे निकलता है तो इसका देखो एक एरिया ऊंचा होता है एक नीचा होगा, तो इस टाइप के जहां पर क्या होता है निचला एरिया होता है जहां पर हर साल बाढ़ आएगी, तो वहां पर क्या होगा मिट्टी अलग टाइप की होगी, और जहां पर कभी कभी बाढ़ आएगी बहुत ज्यादा पानी भर जाएगा तो इधर भी भर जाएगा ना। तो इधर देखो दो टाइप की सॉइल बनती है इसके आसपास नदियों के, वो कौन कौन सी है, यहाँ पर एक होता है आपके एलुवियल, एलुवियल कौन सी है, ये वाली एलुवियल सॉइल, और यहाँ पर बनती है आपकी कौन सी, इसको न्यू एलुवियल कैसे, ये ओल्ड एलुवियल के नाम से जानी जाती है, ठीक है, ओल्ड एलुवियल और ये होती है न्यू, ये हर बार चेंज होती रहती है और ये कभी कभी चेंज होती है, ठीक है, इस तरीके से बन जाती है। और क्या होता है इन दोनों में क्या होता है, हाँ फिर ये आगे जाता है, आगे जाके क्या बनाता है, क्या बनाएगा, डेल्टा बना, हाँ तो बस यहाँ पर डेल्टा बना लेगा ये, ऐसा होता है ऐसे करके डेल्टा ना, तो ये डेल्टा बना लेंगे। तो और भी कई तरीके के, अब देखिए एक होता है जहां पर क्या होता है बहुत सारे फर्टिलाइजर वगैरह यूज किए जाते हैं, खाद उर्वरक वगैरह यूज किए जाते हैं, वहां की मिट्टी की ऊपरी परत जो है उसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट पहुंच जाता है, सॉल्ट पहुंच जाता है जिससे वो मिट्टी उपजाऊ नहीं रहती है। हाँ उस मिट्टी को बोलते हैं रे है, ठीक है, रे क्या है एक तरीके की आपकी मिट्टी है, ये इसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम भी बोलते हैं, नाम याद नहीं इस समय, तुम बताएंगे आगे जब पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे इसका सॉइल वाला तब इनको सारा पढ़ा रहे हैं। तो इसके क्या होता है ये सबसे ऊपरी परत होती है ना कि उसके अंदर होती है, ये सीधे बिल्कुल टॉप मोस्ट पे आ जाती है, जहां पर आप सीट डालेंगे उसमें कोई क्या होगा वो उगेगा ही नहीं, जमेगा ही नहीं अच्छे से,
ठीक है, चलेगा नहीं तो ये क्या कहता है, ये बहुत लॉस करता है, तो इसलिए ज्यादा क्या कहते हैं उर्वरक सिंचाई वगैरह भी नहीं करनी चाहिए, यानी कि फर्टिलाइजर्स जो हम यूज करते हैं केमिकल्स, उनकी वजह से भी हमारी सॉइल खराब हो जाती है। तो सबसे ज्यादा आपकी यू जो क्या कहते हैं, मैप तो मिटा दिया, चलो जो यहाँ पर का एरिया था कौन सा, प्लेन का, यहाँ पर सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन पाई जाती है। जो प्लेट्यू का है, प्लेट्यू का ये वाला उससे कम है, ठीक है, और ये वाले तो आपको पता ही है कितना इसमें क्या होता है, सॉल्ट वगैरह होता है समुद्र का, जिसकी वजह से क्या सिर्फ नारियल वगैरह उगते हैं, ठीक है, और बाकी इनका जो है बाद में आपको बताते हैं कि सॉइल के बारे में कौन कौन सी फसलें कहाँ कहाँ पर होती हैं, वो तो चलो आपकी आगे की बात है। तो अभी तो सिर्फ आप जो है इनके बारे में समझ गए क्या, प्लेन, माउंटेन और हाँ देखते हैं और क्या तुम्हें इसमें है, वो भी देख के बता देते हैं क्या होता है। प्रिंस ये चीज समझ में आया, देखो ब्लॉक माउंटेन ऐसे माउंटेन जिनका क्या होता है बीच का एरिया बहुत ज्यादा नीचे हो, जहां पर वैली बन जाती है, और उस वैली को क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली यानी कि घाटी, ठीक है। अब ये लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली जो है जो आपकी वो जॉर्डन रिवर पे बनी है, ठीक है। अब आता है दूसरा टाइप का, ये ब्लॉक माउंटेन हो गया, दूसरा कौन सा है, रेसिडुअल माउंटेन। रेसिडुअल माउंटेन यानी कि जहां पर कोई भी रह सकता है, जहां पर ज्यादा वेदर चेंज नहीं होता है, ऐसे माउंटेन्स को हम रेसिडुअल माउंटेन्स बोलते हैं, ठीक है। पता लगे माउंटेन जैसे आपका कोल्डर माउंटेन है, ये ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, इन पर तो इतना ज्यादा वेदर चेंज होता है, पता लग रहा है कभी किसी के दिन बादल ही फट जाते हैं ना, तो कहते हैं अरे बादल फट गया, वहां पर इतना ज्यादा बाढ़ आ गई, पता लगा पूरा घर मकान सब जो है लोग, हाँ उत्तराखंड वगैरह, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये रेसिडुअल माउंटेन्स होते हैं जिन पर हम लोग रह सकते हैं, जैसे देखो अरावली हो गया, नीलगिरी हो गया, हिल ऑफ राजमहल, ये सारी इंडिया की हैं। आपको पता है अरावली कहाँ से कहाँ तक होता, अरावली माउंटेन रेंज कहाँ से कहाँ तक है, देखो तुम बताओ, हाँ गुजरात, राजस्थान लेके मैंने कहा दिल्ली तक, हाँ तो वहां तक है, इसी तरीके से ये सारे हैं। अब देखो जो एक्युमुलेटेड माउंटेन्स हैं, यानी कि जो क्या है टूटने फूटने से थोड़े बहुत जुड़ जुड़ के ऐसे बनते हैं, जैसे कि सैंड ड्यून्स होते हैं, ठीक है, सॉइल रॉक्स या फिर क्या है आपकी वोल्केनोज वगैरह हैं, हाँ लावा वगैरह जो है इकट्ठा होकर ऐसे बन जाते हैं, उनको बोलते हैं ऐसे। जैसे ये आपके मिलते हैं इधर चले जाओ MP और अपना UP के लास्ट इधर झांसी साइड तक जो है ऐसे भर मिल जा रहे हैं। और अब फोल्ड माउंटेन, इनके बारे में आपको मैं डिटेल में पढ़ाई चुका हूँ, ठीक है। हाँ तो यही है, ये इसी में वोल्केनो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके चारों टाइप के हो गए, और ये फिर आते हैं आपके प्लेट्यू और क्या होते हैं प्लेन। तो प्लेन और प्लेट्यू भी आपको बता चुके हैं, इसमें देख लो थोड़े अगर ज्यादा सीख, क्यों जो माउंटेन के फॉरेस्ट हैं आपको पता ही है, टुंडा फॉरेस्ट हैं जो कि बर्फीले एरिया में होते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा आयत होती है, जहां पर क्या होता है बहुत ऐसे इस टाइप के पेड़ जो उगते हैं ऐसे, हाँ कौन टाइप में, हाँ कौन वाले, ये ज्यादा क्या कहते हैं, ये अपने इंडिया में ऐसे करके नहीं उगते हैं, ये ऐसे करके उगते हैं कि जैसे क्या हो कि ऊपर से बर्फ आए नीचे उतर जाए, अलग ऐसे आएंगे पूरा हाथ पैर फैला के, तो इतनी बर्फ आएगी ऊपर से गिरेगी, अगर ये ऐसे होते हैं ना ऐसे, तो इनके ऊपर क्या होते हैं बर्फ गिरती है, इतना ज्यादा वेट हो जाता है, इनके सब जो ब्रांचेज हैं नीचे होती है एकदम सीधा ऐसा खड़े मिलता रहता है, क्यों, तो इसलिए क्या कहते हैं, ये कहते नहीं हमको माफ कर देना, जिस क्या सीधे खड़े रहेंगे यहाँ पर जाइए, तभी इस तरीके के आपके फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पर, इनको बोलते हैं टुंडा फॉरेस्ट, ठीक है, हाँ टुंडा। और जो कौन से हैं कॉनिफर फॉरेस्ट जो होते हैं वो भी आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, ये भी कॉनिकल शेप में होते हैं, वो क्या होते हैं ये सिर्फ टुंडा फॉरेस्ट सिर्फ आपके आइस में ही होते हैं, और ये कहीं भी हो जाते हैं, मतलब दूसरे दूसरे एरियाज में भी जहाँ पर रेन और वो दोनों होते हैं। फिर आते हैं टेम्परेट मिक्स,
तो टेम्परेट में आपको पता है कि हर टेम्परेचर के पेड़ जो है पौधे मिलते हैं यहाँ पर अलग अलग टाइप में। फिर ट्रॉपिकल सेमी डेसिडुअस फॉरेस्ट, हाँ इनको जो है जिनको कम बारिश की आवश्यकता होती है तो उनको ट्रॉपिकल, और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जिनको बहुत ज़्यादा, हाँ इनको जो है ज़्यादा, जैसे क्या होता है कि 150 सेंटीमीटर किसी को रेंज चाहिए तो किसी को कितना होता है, होना चाहिए 200 सेंटीमीटर, हाँ इतनी रेंज चाहिए होती है किसको, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को, और ट्रॉपिकल सेमी ग्रीन फॉरेस्ट को इतनी रेंज चाहिए होती है, हाँ मिनिमम होंगे, मैक्सिमम तो कितने भी है एवरेज होते हैं। तो देखिए तो इसमें होते हैं ये कौन सा है, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, और यह है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इतना एक कितना, हाँ 200 सेंटीमीटर के मतलब क्या हुआ कि हाँ आपका एक मीटर होगा, हाँ एक मीटर इतनी ऊंचाई, तो आपकी 100 सेंटीमीटर को है, इससे भी ऊंचाई ज्यादा बारिश हो जाए, इतना पानी भर जाए, हाँ पूरा एक कितना आदमी कितना होता है 170 के आसपास का होता है एवरेज हाइट का, तो इतनी जो है एक आदमी के डूब जाने के बराबर जो है या इतनी बारिश हो तब आपके ये चलते हैं। हाँ तो वही एवरेज है ना, वह अपने इंडिया में तो 160 से 165 तक ही रहते हैं ना, इतनी तक तो चलिए आज का जो है आप इतने रखिए, फिर कल आपको बताते हैं आगे का ना, ये सारी चीजें जो है कल पढ़ के आना, फिर आगे आपको बताते हैं किसके बारे में बताएंगे, आपके वैली वाटरफॉल फ्लड प्लेन, हाँ ग्लेशियर्स आइसबर्ग, ये तो सारे बता भी चुके हैं, बहुत सारी चीजें, बी शेप वैली यू शेप वैली कैसी होते हैं, हाँ चलिए इसको हाँ नोट कर लीजिए और फिर कल मिलते हैं इसमें।